हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी। अगेन मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह और हम पहुंच गए हैं अपने लास्ट वीडियो पे, जहां पे हम बात करेंगे ओवरऑल बॉटनी से कौन से पार्ट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। इम्पॉर्टेंट होने का क्राइटेरिया ये है कि अभी तक जो है जो 10-12 सालों के क्वेश्चन पेपर्स हैं उनमें कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मीन्स आपको सबसे ज़्यादा उसी पार्ट में स्कोर करना होगा। और सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने जो भी अपने सारे लेक्चर देखे या जो भी हम बॉटनी में पढ़ते हैं वो उसके कितने पार्ट्स हैं। तो मैं आपको बता दूं, टोटल जो है 18 पार्ट्स हैं उसके। पहला आपको पता है एल्गी, फिर फंजाई, फिर लाइकेन, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, एम्ब्रियोलॉजी, एनाटमी, साइटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी एंड प्लांट टिश्यू कल्चर, इकोलॉजी, इवोल्यूशन, माइक्रोबायोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी। ये हमारे जो है 18 सब सब्जेक्ट आप कह लीजिए बॉटनी के ही जो हमें पढ़ना पड़ता है इस एग्ज़ाम के लिए। और अभी तक मैंने आपको हर टॉपिक के मैंने सारे वीडियो बना दिए हैं, उसमें से कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं उनका पाई चार्ट के थ्रू आपको मैंने बताया था कौन सा पार्ट का कितना वेटेज है। तो अब फाइनली इस वीडियो में हम देखेंगे इन सारे जो हमारे 18 आपके लिए सब सब्जेक्ट है बॉटनी के, इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये रहा आपके पास ग्राफ, इसमें 18 जो सब्जेक्ट हैं आपके, इधर आप देख सकते हैं वाई एक्सिस पे है दिया हुआ है, ऊपर सबसे छोटा जिनका कम इम्पॉर्टेंस है और नीचे इम्पॉर्टेंस का मतलब है वेट। मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर का, जो सबसे कम बार पूछे गए हैं। और जैसा आप नीचे बढ़ते जाते हैं, नीचे सबसे ज़्यादा वाले हैं और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर लिखा है एक एक बार पे, और ये बार एक जो आपका सब सब्जेक्ट है उसको इंडिकेट करता है। इसे लाइकेन से करीब 7 क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, इवोल्यूशन से 8, बायोटेक्नोलॉजी एंड प्लांट टिश्यू कल्चर से 25, एनाटॉमी से 27। ऐसे से बढ़ते क्रम में आप देखेंगे जो नीचे के बार हैं वहाँ से सबसे ज़्यादा अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है। इसका मतलब है उसी का प्रपोर्शन आपके एग्ज़ाम में ज़्यादा रहता है। तो सबसे नंबर वन पे है आपका इकोलॉजी। इकोलॉजी से करीब अभी तक 213 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक। इकोलॉजी के बाद अभी मैं नंबर नहीं बताता हूँ आपको, सिर्फ सब्जेक्ट नीचे से। तो इकोलॉजी जो है आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इकोलॉजी, उसके बाद आता है आपका प्लांट फिजियोलॉजी। इकोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, ये इनका आप देखें क्वेश्चन नंबर 200 के पार है। उसके बाद एंजियोस्पर्म भी 160 के करीब है। तो ये जो तीन सब सब्जेक्ट हैं आपके, एंजियोस्पर्म, प्लांट फिजियोलॉजी और इकोलॉजी, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके सब सब्जेक्ट हैं बॉटनी में से, ठीक है। उसके बाद फंजाई भी इनका 100 से ऊपर है, करीब 126 के करीब क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं फंजाई से। तो मैं कहूँगा ये जो चार हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फंजाई, एंजियोस्पर्म, प्लांट फिजियोलॉजी और इकोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी इकोलॉजी आपको टफ पड़ता है क्योंकि इसका सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है, इससे क्वेश्चन भी बहुत सारे आते हैं। एंजियोस्पर्म और फंजाई आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ईजी होता है। तो आपको ये जो चार टॉपिक्स हैं इस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलेगा तो उसमें इन्हीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जो है ग्रुप एक बनता है सेकंड वाला, वो है मॉलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, एल्गी, जिम्नोस्पर्म और साइटोलॉजी का, ठीक है। यहाँ पे करीब 70 से लेके 98 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे, तो ये एक अलग ग्रुप है। उसके बाद 50 के करीब वाले हैं बायोकेमिस्ट्री, टेरिडोफाइट, एम्ब्रियोलॉजी, ब्रायोफाइट, ये 50 के करीब वाले हैं। और इससे नीचे सबसे कम जो क्वेश्चन वाले हैं वो लाइकेन है, इवोल्यूशन है, बायोटेक्नोलॉजी एंड प्लांट टिश्यू कल्चर और एनाटॉमी है। यहाँ से सबसे ज़्यादा सबसे कम जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये था आपका पूरा 18 टॉपिक, उसका सारा का प्रपोर्शन, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। उस हिसाब से आपको पता चल गया कि कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कहाँ से नहीं। तो तैयारी अपनी अच्छी रखिए सारे पार्ट्स पे, सारे वीडियो जो मैंने बनाए हैं इस पे, सारे सब टॉपिक्स पे उसको देखिए, अगर आपको इन सब सब्जेक्ट के अंदर के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। सारे का लिंक जो है यहाँ के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिलेगा इन सारे सब टॉपिक्स के ऊपर जो मैंने लेक्चर बनाए हुए हैं। ओके, तो
आप ये वीडियो देख रहे थे आपके चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी पे। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने से जो भी मैं फ्यूचर में वीडियोस डालता हूँ आपके पास पहुँचता है सीधे नोटिफिकेशन जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ। ओके, तो चलता हूँ, मैं मिलूँगा आपसे किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन लेके, कोई लेक्चर लेके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।